नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं इनका नाम ज्योतिष पांडे है। एक ऐसी फिल्म का निर्माण करने वाले हैं जो फिल्म भारत की एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख देगी, या यूं कहें कि पहले से जो सिस्टम लागू है उसे फिर से लागू करके वर्तमान के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल चेंज कर देगी। इस बारे में खास बातचीत करते हैं, मेरे साथ ज्योतिष पांडे हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद। अभी सर बड़ी चर्चा है कि आप एक फिल्म का निर्माण करने वाले हैं जो फिल्म भारत की एजुकेशन सिस्टम को बदल देगी। इसमें कितनी सच्चाई है और ये फिल्म किस तरह से बन पाएगी? बिल्कुल, जैसे कि आपने अपने दर्शकों से इंट्रोड्यूस कराया इस फिल्म के बारे में, पहले तो मैं बता दूं कि हम किसी फिल्म जगत से नहीं हैं, फिर भी हम लोग ये फिल्म बना रहे हैं। क्योंकि ये फिल्म हमें बनाना है इसलिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो हम एक रिसर्च कर रहे थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, उस रिसर्च को करते करते करीब 10 साल हो गए और उस रिसर्च में ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आई और उसका पहली बार भारत में नालंदा तक्षशिला हज़ारों साल पहले की जो बात थी, उसके बाद मैं कॉलेज सिस्टम, ये इतने बड़े जो गैप हुई एजुकेशन सिस्टम को दो बनाने में, उस गैप के बाद पहली बार हम लोग सक्षम हुए असली, मैं बार बार इस पर जोड़ दूंगा, असली एजुकेशन सिस्टम को हमने फ्रेम करके ये कामयाबी पाया है। अब ये कामयाबी सिर्फ फ्रेमिंग हो गया तो कामयाब नहीं माना जाएगा जब तक इस देश में ये एजुकेशन सिस्टम लागू ना करा दिया जाए। अब जब बात इस देश की आती है, भारत जैसे देश की जहाँ 150 करोड़ की आबादी है, तो हम 1000 लोगों को या कुछ लोगों से अगर चर्चा कर ले तो इस पे काम नहीं चलेगी। तो यहाँ से आवश्यकता आती है बॉलीवुड की, क्योंकि हमें लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत देश में बॉलीवुड का जो इस्तेमाल होता है जिस तरह से ब्लैक मनी वाइट करने के लिए और तरह तरह की फालतू फिल्में बनती रहती हैं, अच्छे फिल्म्स भी आते हैं नो डाउट, जैसे आपने 3 इडियट्स वगैरह देखा था, एजुकेशन सिस्टम पे भी बेस्ड आई हैं, लेकिन उसमें समस्याओं को ही सिर्फ आपको दर्शाया जाता है। जो आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें समर्थन करें, हमारे इस बात को, इस चीज़ जो हमारी मुहिम है इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करके लोगों से। और सबसे बड़ी बात जो हम कहने जा रहे हैं इस मूवी के लिए, कि ये मूवी खास इसलिए भी नहीं है कि सिर्फ इसमें समाधान है, बल्कि खास इसलिए भी है कि इसमें कोई प्रोड्यूसर कोई अरबपति और खरबपति नहीं बनने वाला है। फिल्म के फिर निर्माता कौन हो? बिल्कुल, ये एक इस फिल्म का USP भी बोल सकते हैं आप, और एक इसका मेन कोर भी बोल सकते हैं। इस फिल्म की आप USP भी कह सकते हैं और इस फिल्म का मेन कोर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस फिल्म का टाइटल है मिडिल क्लास और ये फिल्म रजिस्टर हो चुकी है SWA द्वारा, और ये जो JP एजुकेशन मूवमेंट है, जो हमारा ये ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट है जो इस फिल्म को बना रहा है, वो एक इवेंट कर रहा है जिसका नाम है JP आंदोलन। अब इस JP आंदोलन को आप रिलेट कर सकते हैं अपने बिहार के पहले JP आंदोलन से, आप कह सकते हैं कि भारत में वापस आया JP आंदोलन, लेकिन इस JP आंदोलन का जो JP का मतलब है ये आपको पहले जानना पड़ेगा, ये है जन प्रायोजित आंदोलन, मतलब पीपल स्पॉन्सर्ड रेवोल्यूशन, यानी कि लोगों के द्वारा किया जाने वाला रेवोल्यूशन। तो ये रेवोल्यूशन इस फिल्म के जरिए ही शुरू हो रही है, ये सिर्फ फिल्म ही रेवोल्यूशन नहीं है, लेकिन इस ये फिल्म के जरिए शुरू हो रही है, इसीलिए ये इसका माध्यम है और इसके प्रोड्यूसर भी लोग ही हैं जो जन प्रायोजित करके इस फिल्म को बनाने वाले हैं। अच्छा, आम लोग कैसे इस फिल्म के प्रोड्यूसर बन जाएं? जी बिल्कुल, ये भी बहुत एक आश्चर्यजनक बात हो सकती है लोगों में कि भाई बॉलीवुड जैसे नाम सुनते ही लोग कहते कि भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है, उसमें एक छोटे से रोल पाने के लिए हज़ारों लड़के बिहार से, UP से, पूरे भारत देश के किसी भी स्टेट से आप देखेंगे लाइन लगा के कतार में खड़े हैं ऑडिशंस देने के लिए और पूरा लाइफ गवा दे रहे हैं, फिर उनका समय निकल जाता है और वो किसी लायक भी नहीं बचते। तो हमने इसको, इसके बारे में भी सोचा है और हमने कहा क्यों प्रोड्यूसर पैसे वाले ही बन सकते हैं। अगर हमारे मूवी का बजट 25 करोड़ है तो एक आदमी 25 करोड़ दे के पूरा पैसा कमाने का कोशिश करता है, क्यों ना हम 1 लाख की टीम बनाएं, क्योंकि ये उनके बच्चे के लिए काम हो रही है। विक्टिम जो है इसमें, जो वो उनके बच्चे हैं, एजुकेशन सिस्टम जो ख़राब है उस खराबी से किसको नुकसान पहुँच रहा है? मिडिल क्लास के बच्चों को। तो मिडिल क्लास के बच्चों को आवाज़ उठाने के लिए हम हमेशा क्या नेता पे निर्भर रहेंगे? क्या हम हमेशा सोशल वर्कर्स पे निर्भर रहेंगे? अगर आप बाप हैं, आप माँ हैं, आप भाई हैं, आप अगर लड़ना चाहते तो क्या करेंगे? तो इसलिए हमने कहा कि जब बॉलीवुड सबका जुबान बन सकता है तो मिडिल क्लास के बाप का जुबान क्यों नहीं बन सकता अपने बेटे के लिए? तो हमने उनको अपॉर्चुनिटी दिया कि सिर्फ 2500 रुपये, जो कि आप एक पिज़्ज़ा खा के ख़त्म कर सकते हैं एक दिन में, वो बच्चे के लिए अपने कंट्रीब्यूट करिए, जो कि आपको वापस भी मिलेगा, रिफंडेबल है। रिफंडेबल कैसे है कि आप इसको डोनेशन करते ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ साथ
हमारे प्राइमरी मेंबर बन जाते हैं जेपी एजुकेशन मूवमेंट के, जो एक सर्टिफिकेट के द्वारा आपको परिचय कराया जाएगा और आपको एक टाइटल दिया जाएगा सीड ऑफ चेंज, जिसको एक टास्क दिया जाएगा बॉलीवुड के जो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट आता है उस समय, और उस टास्क को करने के लिए आपको हम उल्टा 5,000 रुपये का टास्क फीस देंगे अपने मेंबर्स को। वो टास्क क्या होगा? वो टास्क एक छोटा सा काम है, बस आपको एक वीडियो बनाना है 30 सेकेंड से 1 मिनट का, जिसमें हमारे 3 सवाल हैं जो आपके आस पड़ोस के लोग जो फिल्म देख चुके होंगे उनसे बिठा के पूछना है। वो बच्चे भी हो सकते हैं जो फिल्म देखने लायक हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती, कोई भी हो सकते हैं जो फिल्म को समझते हैं या जो अपने बच्चे के लिए चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव हो, तो उनसे आप 3 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल ये कि आपको हमारी फ़िल्म कैसी लगी। आप हमारी फ़िल्म बोल सकते हैं क्योंकि वो आपकी ही फ़िल्म होगी, और जो टाइटल हमने दिया है सीड ऑफ चेंज, उस थिएटर में आपको बड़े में लिखा हुआ दिखेगा कि दिस मूवी इज़ प्रेजेंटेड बाय सीड ऑफ चेंज, यानी कि ये फ़िल्म सीड ऑफ चेंज द्वारा प्रसारित की गई है, जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा सीड ऑफ चेंज, वो आपका परिचय होगा उसके लिए। तो उनको पहला सवाल ये कि हमारी मूवी कैसी लगी, आप ये पूछ सकते हैं गर्व से उस रिकॉर्डिंग में। दूसरा कि अब आपको फिल्म देखने के बाद जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में क्या सोच है आपका। और तीसरा, जो हमने ब्लूप्रिंट दिखाया है नई एजुकेशन सिस्टम का, पहली बार भारतवर्ष में हमने इंट्रोड्यूस कराया है, उस पर आपका कोई सवाल है तो बोलिए। और ये जो सवाल है यही हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये जो 10 लोग बैठे होंगे उनके मन में, चाहे वो बच्चा स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या बुज़ुर्ग हो, या महिला हो, तो उसके मन में ये फिल्म को देखने के बाद, ये जो नए एजुकेशन सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराया है एज ए सोल्यूशन इंडिया के लिए, उसको देखने के बाद उसके मन में क्या सवाल आता है वो हम जानना चाहते हैं। बस यही टास्क वो अगर करके हमें देता है रिकॉर्डिंग करके, उसके लिए हम उन्हें 5,000 रुपये दे रहे हैं मिनिमम। अगर फॉलोअप फ्लॉप तो होने की कोई बात ही नहीं, आप समझ सकते हैं इस फिल्म का महत्व क्या है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ 99.99% चांसेस है कि ये फ्लॉप नहीं होगा, फिर भी 0.01% अगर फ्लॉप हुआ भी तो आपको 2500 फीस तो इसका मिलेगा ही मिलेगा, और अगर हिट हुआ तो इसी के जैसा वो बढ़ेगा भी, जो 5,000 हम बोल रहे हैं वो बढ़ेगा भी, यानी आपका फ़ीस तो डोनेशन वापस होगा ही, साथ साथ आपको हमारे साथ साथ कमाने का भी मौका मिलेगा। अच्छा, इस फिल्म को बनाने के लिए जी पब्लिक डोनेशन ही क्यों? क्यों, इसलिए कि जब आप एक फिल्म देखते हैं बनते हुए, तो आप फिल्म इंडस्ट्री के हो ना हो, ये बहुत आम बात है, चीज़ है ये कि आप देखेंगे फिल्म प्रोड्यूसर जब पैसा लगाते हैं तो उसमें जो गाने होते हैं, उसमें जो चरित्र होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक डिमांड पे क्रिएट किए जाते हैं, और ये एक ऐसी फिल्म है जिसको एक रिसर्च से निकाल के लाया गया है। अब रिसर्च की चीज़ किसी पैसे वाले के चक्कर में हम अगर तोड़ मड़ोड़ करने लगे, या उनके डिमांड के हिसाब से इसमें गाने डालने लगे और इसको अलग तरीके का बनाने लगे, इसमें हर वो एंटरटेनमेंट रहेगा, ये मेरा वादा है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी पैसे वाले की तरह अगर हम इसे तोड़ मड़ोड़ करने लगे, तो जो हम बेनिफिट लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से, वो कभी नहीं पहुँचेगा। स्क्रिप्ट ही चेंज हो जाएगा, पूरा स्क्रिप्ट ही चेंज हो जाएगा। दावा हम कर रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर अंबानी का नया आने वाला पोता भी पढ़ेगा, या अडानी का पोता, आप फीस, अरबपति खरबपति आदमी है, ठीक है, गरीब लोग तो चाहेंगे कि फ्री में पढ़े, लेकिन वो अरबपति खरबपति आदमी है, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आप इसे सिस्टम में 1 रुपये पेमेंट करके दिखाइए, चाहे वो करोड़ों का भी पढ़ाई क्यों ना हो रहा हो आपके लिए कोर्स। चाह के भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, वो ढांचा ही ऐसा बनाया गया है। आप प्रधानमंत्री को भी अप्रोच करेंगे कि हमसे ले लीजिए फीस हमारे बच्चे के लिए, उसमें जगह ही नहीं बनेगा फीस का जगह ही नहीं। यही पहचान है असली एजुकेशन सिस्टम का, और अभी जो चल रहा है वो नकली है, वो यही पहचान है कि वो पैसा डिमांड करता है। कि 1,00,000 लोग तो इसके प्रोड्यूसर बन रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के आम लोग बन रहे हैं, ठीक है, इसमें से जो पहले 1,000 डोनर हो रहे हैं, पहले 1,000 लोग जो आ रहे हैं डोनेशन लेके, वही उन सारे 1,000 डोनर को हम ऑडिशन का मौका दे रहे हैं, पहले 1,000 लोग जो हैं, और उन 1,000 लोगों में से कोई 10 लोग जो हैं वो हमारे इस फिल्म में दिखेंगे आपको काम करते हुए। ये पहला, दूसरा एक एडेड एडवांटेज हम लोग अपने दर्शकों को, या जो हमारे साथ प्राइमरी मेंबर्स जुड़ रहे हैं उनको हम दे रहे हैं। तो ये मैसेज हम हर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल होगा, आप कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को बदलने की नीति है मेरे पास, पूरा तैयार है और सारी चीज़ें तैयार हैं, एक फिल्म बनेगी जो सिर्फ एक छोटे से मैसेज के रूप में काम करेगी, बाकी बहुत सारा चीज अभी बाकी रहेगा, वो सारी चीजें आपने कहा कि अभी हिडन है, जब आप इस मुहिम की शुरुआत करेंगे एक फिल्म के रूप में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा के माफिया भी आपके पीछे पड़ सकते हैं, आप डरते नहीं? देखिए, डरने की बात इसलिए नहीं है, डरना तो चाहिए, माफिया आपको क्या है कि पूरा आप इतना क्रांतिकारी बात कर रहे हैं और आपकी कहानी एक बुलेट की होगी फिर, ठीक है, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं कि हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हम
आपने जिसको माफिया बनाया है, आपने मतलब जो मौजूदा चल रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने जिसको माफिया बनाया है, वो माफिया का कोई गलती नहीं है इस सिस्टम में। जो सिस्टम है जो चला रहे हैं लोग, जो इसके ठेकेदार बैठे हैं, उनकी गलती है, इसीलिए आप उनको माफिया कह रहे हैं। वो बस एक बिजनेसमैन है। आप माफिया को थोड़ा हल्का करके अगर देखेंगे तो एक लालची व्यक्ति दिखेगा आपको, जो एक रुपये की जगह 10 रुपये कमाना चाहता है, और वो ह्यूमन नेचर में जन्म से होता है। सिस्टम तो ऐसे भी बैठा हुआ है, आप तो, आपको सिस्टम यही ना कह रहा है कि आप सर्टिफिकेट किसी तरह जुगाड़ कर लीजिए, तो आपको करा दे रहा है वो जल्दी, आपका टाइम बिना वेस्ट किए, तो इसमें क्या गलती कर रहा है वो। लेकिन हमारे सिस्टम में ये लोग माफिया नहीं बल्कि एक प्रमोटर के रूप में जाने जाएंगे। 10 रुपये कमाएंगे या 100 रुपये, और अगर 100 रुपये कमाना चाहते हैं तो आपको 200 कंट्री देंगे कैसे? इन शिक्षा माफियाओं को और ज़्यादा कमाने की अपॉर्चुनिटी देंगे तो माफियागिरी को आप बढ़ावा देंगे, फिर क्या करेंगे? फिर ऐसा क्या चीज़ है जिससे सोसाइटी भी सुरक्षित रहेगी और जिनको शिक्षा माफिया कहा जाता है उनसे समाज का शोषण नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो 150 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम भारत की बात करेंगे तो कभी भी पॉकेट मार को छांट के नहीं बोलेंगे। जब 150 करोड़ हम बोलते हैं ना, या कोई भी बोलता है बड़ा नेता, तो वो 150 करोड़ उन सब की बात कर रहा है। बोलता अलग है और करता अलग है, काम करने के समय उसे छाट देगा। तो आपको ये जानने के लिए बहुत आवश्यकता होगी कि अपने लाले पड़े हुए कि अपने बच्चे नहीं जा पा रहे पढ़ने के लिए, तो वो काम हम सरकार के भरोसे और इतने लोगों के भरोसे ही तो सिर्फ नहीं कर सकते। तो हम जो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट है प्रमोशंस में और उल्टा प्रमोशन में पैसा भी वो लेके आ सकते हैं, वो बिचौलिए बन के पैसा क्यों नहीं कमाएंगे? जैसे अब मैकॉले आया, तो आपने कभी नहीं कहा कि भाई मैकॉले ब्रिटिश राज का माफिया है और वहाँ के फैला रहा है चारों ओर। वो तो हमें लूट के ले गया ना, एजुकेशन सिस्टम से लूट के ले गया ना, लेकिन उसको तो किसी ने नहीं कहा माफिया। वो तो मैकॉले सिस्टम कहा जा रहा है और वो उसको दूत कहा जा रहा है मॉडर्न एजुकेशन का, है ना। और उसकी सिस्टम को इतना बढ़िया पसंद किया गया कि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सब कुछ बनाया, मशीनरी बनाया, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में हाथ नहीं दिया। फिल्म की आप बात कर रहे हैं जो बदलाव ला सकती है, उस फिल्म में अभिनेताओं की जो लिस्ट है उसमें क्या कुछ है? हाँ, अभिनेताओं का लिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम उसे अभी रिवील नहीं करेंगे कि आप कौन होगा पर्टिकुलरली, लेकिन बॉलीवुड के लेवल। हाँ, लेकिन हमने 5 संभावित लिस्ट बनाए हैं, जिसमें मनोज बाजपेयी जी का नाम है, जिसमें आप ये क्या कहते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी और एक इरफान खान के बेटे थे बाबिल खान, उनका लिस्ट में नाम है। और 2 और हैं जो हम चाहते हैं कि हो जाए अगर पॉसिबल हो अलग से, वो है शाहरुख खान और आमिर खान, उनके लिए अप्रोच है। तो ये डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी और कितने टाइम में हम ये टीम हमारा क्रिएट कर सकें 1 लाख सीड ऑफ चेंज का, उस पर ये निर्भर करेगा कि कौन फाइनल हमारे स्टारकास्ट होंगे। तो यही है स्टार, मतलब पब्लिक को 2500 रुपये डोनेशन आपके ट्रस्ट को देना होगा। आप जो फिल्म बनने जा रही है वो समाज में बदलाव के लिए बनेगी, इस फिल्म में आप एक निर्माता के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपके दिए हुए धनराशि को सर का कहना है कि वापस आप तक पहुंचा दिया जाएगा। उसके लिए छोटा मोटा टास्क आपको फुलफिल करना होगा और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। समाज में ऐसी फिल्में बन रही हैं, मेरे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इस तरह की फिल्म अगर बनती है तो समाज में क्या कुछ बदलाव आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा कम ध्यान दे रहा था, बट जो भी है समझा मैं मैटर, हर चीज़ मतलब हर चीज़ पे गया मैं, धरातल पे गया, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। सर, आप गोपालगंज के हैं, गोपालगंज वासियों से खासकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, एक गोपालगंज में एक खास बात यह है कि यहाँ गोपालगंज वासियों को भी बहुत खुशी होगी ये बात जान के कि मैं भी यहीं का जन्मा हूँ। मेरा जन्मस्थल भी गोपालगंज जिला ही है, मतलब बिहार भी है और गोपालगंज जैसा जिला है, जो एक कर्ज के रूप में है हमारे सर पे। जन्मस्थल भी एक कर्ज होता है ना, कि इसने मुझे जन्म दिया। मैं कोलकाता में रहता हूँ लेकिन वो मेरा कर्मस्थल है, पैतृक स्थान हमारा यूपी है, लेकिन मेरा ननिहाल और जो मेरा जन्मस्थल है वो गोपालगंज है। तो गोपालगंज वासियों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप ही के बीच में से आप ही का भाई आप ही के लिए आया है, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे निराशा नहीं करेंगे और इस गोपालगंज से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें, ताकि हम एक कर्ज के रूप में देखें कि भाइयों को हमने कुछ दिया है और यहाँ से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम लेके गए हैं। तो ये मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि बिहार का जो उम्मीद है हमारा इस पूरे प्रोजेक्ट में, उसको कायम करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इस लड़ाई में हमारा समर्थन करें कि आपका भाई आप ही के जिला में जन्मा हुआ, अगर उसे नहीं समर्थन करेंगे तो आप किसे करेंगे? और हम आपको मदद करेंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और आप भी अगर पार्टनर बनना चाहते हैं, फिल्म के निर्माता बनना चाहते हैं, तो एक सुनहरा मौका है, बात कीजिए और पूरे सिस्टम को आप मोबाइल नंबर पर संपर्क करके समझ सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।